सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिसेबल होता है तो ये वीडियो आपको स्किप किए बिना पूरा जरूर से देखिएगा। तो आखिर कैसे इंस्टाग्राम की तरफ से हमारे अकाउंट को डिसेबल किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा इंस्टाग्राम ऐप के अंदर। दोस्तों अभी हम आगे अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से फॉलो करें। मुझे यहाँ पर अपना कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। सिंपल गाइस, जब भी आप लॉगिन करने की ट्राई करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा गेट हेल्प लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फाइंड योर अकाउंट नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे नीचे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीड मोर हेल्प, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क के साथ में हमारे सामने शो होने लगते हैं। तो इसमें से हमारी कौन सी प्रॉब्लम है ये हमको देखना है। तो सबसे लास्ट में आएगी तो यहाँ पे मिलेगा डिसेबल अकाउंट, जो कि हमारे वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कैन आई डू इफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट वाज डिसेबल, मैं क्या करूँ अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो चुका है। तो इस पर क्लिक करते तो इस पर सारी डिटेल लिखी हुई आपको मिल जाएगी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिसेबल होता है, कैसे उसको आप रिकवर कर सकते हैं, और क्या गलती आप करोगे तो आपका इंस्टाग्राम फिर से यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल ये दोस्तों पढ़ के समझाना काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यहाँ पर इंस्टाग्राम वालों ने लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी तरह से कम्युनिटी गाइडलाइन या टर्म ऑफ कंडीशन जो भी इंस्टाग्राम के उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो इंस्टाग्राम है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप लॉगिन करने के लिए ट्राई करोगे आपकी स्क्रीन पर कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगी, उसको फॉलो करके आप अपने इंस्टाग्राम को फिर से डिसेबल अकाउंट को फिर से भी पा सकते हो। अगर वो तरीका काम नहीं करता है तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि अपने डिसेबल अकाउंट को कैसे वापस ला सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रही होगी, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक बार आपसे गलती हो जाती है तो आपका इंस्टाग्राम आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रिपीटली उसी वॉयलेंट को वापस करते हो, कम्युनिटी गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपका इंस्टाग्राम परमानेंटली यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वॉज डिसेबल बाई मिस्टेक यू मे बी एबल टू अपील। अगर आपको लगता है कि आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर बाय मिस्टेक मतलब डिसेबल हो गया है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम किसी और ने हैक किया है या फिर आपके द्वारा किसी भी तरह से गलती से भी अगर वो डिलीट हुआ है तो उसको आप कभी भी वापस नहीं पा सकते। तो डिलीट हो जाने के बाद में आपके सामने कोई रास्ता नहीं रहता है कि आप अपने इंस्टाग्राम को वापस ला सके। डिसेबल अकाउंट वापस मिल सकता है लेकिन डिलीटेड अकाउंट वापस नहीं मिल सकता है। ये पूरी यहाँ पर जानकारी ली गई है। सबसे नीचे आने के बाद में हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर यस नो, तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे अदर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखना है और कैसे सबमिट करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों कैसे लगी वीडियो, ऐसी और किसी हेल्प से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या कोई हेल्प पाना चाहते हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके बता दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।